राजगढ़ के खुजनेर में बिजली कंपनी की तानाशाही और भ्रष्टाचार को लेकर राजगढ़ के पूर्व भाजपा विधायक अमर सिंह यादव और 10 गांवों के किसान धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी बिजली विभाग के एसी संपूर्णानंद शुक्ला और डीई संदीप कुमार पांडे को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक दोनों अधिकारियों को नहीं हटाया जाता वह धरना समाप्त नहीं करेंगे। सड़क पर बैठने की वजह से आवागमन भी बाधित हो रहा है। बीच सड़क पर चक्का जाम करने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हाँ तो बात नहीं, आके करो, आ जाओ। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। खुजनेर में बिजली कंपनी खेतों की बकाया राशि के लिए किसानों के खेतों के साथ साथ उनके घर की भी बिजली काटी जा रही है। घर की बिजली काटने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इस समय कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में बिजली बंद होने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक अमर सिंह यादव ने बताया कि किसान और बच्चे उनकी समस्या से अवगत करा रहे हैं। इस मामले में फोन से एसई संपूर्णानंद शुक्ला और डीई संदीप पांडे को अवगत कराया गया है। वे अपनी मनमानी पर उतारू है, किसानों के साथ तानाशाही कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने बिजली कंपनी के अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। धरना प्रदर्शन किया, किस विषय में किया? ये धरना प्रदर्शन तो चक्का जाम इसलिए किया है कि कल मेरी डी से बात हुई थी, एमपीपी हमारे राजगढ़ डी से। मैंने उनसे कहा कि सर ये घर की लाइट क्यों काटी जा रही है जब घर का कोई बकाया नहीं है, कि वो खेत का बकाया उनका, इसलिए हम घर की लाइट भी काटेंगे। मैंने कि ऐसा कोई नियम नहीं है साहब, आप घर की लाइट मत काटो। अभी 12वीं और 10वीं की परीक्षा चल रही, बच्चे परेशान है। मेरे पास रोज बच्चे आ रहे हैं और रोज उनके परिवार वाले मेरे से संपर्क में कि साहब हमारी घर की लाइट काटे जा रहे हैं बार बार। इस में जब आज फिर कल मेरी ये बात हुई डी से, आज फिर उनने काटना शुरू करा तो मैंने उनसे फिर आज पूछा ऑफिस में आके, मैंने उनसे एक घंटे तक समय मांगा कि आप आइए, मुझे कोई आर्डर बता दो, आर्डर हो तो आर्डर भी नहीं बताया ना वो आए। और उनने कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी से बात करो एसी और डी से। यहाँ पर आपके भी किसी अधिकारी से बात हुई है? यहाँ केवल ये कर्मचारी है जो यहाँ का है, और किसी से बात नहीं हो पाई। और इनका जो जीआई है उनसे बात हुई तो वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। बांसखेड़ा से उसको एक घंटा हो गया, अभी तक मेरे पास नहीं आया वो, इसलिए ये चक्का जाम किया। मैं पूछना चाहता हूँ एसी और डी से, और इनने दोनों ने पूरे जिले में भ्रष्टाचार मचा रखा है। किसानों को अवैध रूप से पैसा वसूला जा रहा है। एक ठेकेदार के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करा, मेरी जेब में उसका प्रमाण है। अभी मैं वरिष्ठ अधिकारी के सामने बात जब उनको सपूत दूंगा कि उनके अधिकारी को तो बचाते हैं, उनके जेई को बचा रहे पचोर के। जब हमारे एक कर्मचारी ने उनको पैसे दिए 13,000 रुपए, उसके बाद भी स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम का दबाव बना रहा है। इस प्रकार से इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। मैं इनके विरोध में हूँ, और डी और एसी दोनों तत्काल हटेंगे, उसके बाद ही चक्का जाम खुलेगा। बात। इस दौरान पूर्व विधायक बिजली कंपनी के अधिकारियों के आगे लाचार नजर आए, इसलिए उन्हें मोर्चा खोलकर चक्का जाम करना पड़ा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।